चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिनांक 17/12/2020, विद्वान आर एच जे एस, विशेष न्यायाधीश नंबर 1 जयपुर, जिसके तहत अपीलकर्ता की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई थी। FIR गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 16 और IPC की धारा 120B के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन NIA नई दिल्ली में नंबर RC 36/2020/NIA/DLI दर्ज किया गया था। अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामला अन्य सह अभियुक्तों के मामले के समान है, जिनकी अपील को इस न्यायालय ने दिनांक 7/5/2022 के आदेश के तहत अनुमति दी है। इसके बाद अन्य सह अभियुक्तों की अपील को भी न्यायालय ने दिनांक 20/12/2022 के आदेशों के माध्यम से अनुमति दी थी। यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले के तथ्य अन्य मामलों के तथ्यों के समान हैं। पैरा अपीलकर्ता मजदूर थे जो अपनी आजीविका कमाने के लिए विदेश गए थे। कोविड के कारण वे भारत नहीं लौट सके और उनका रोजगार छूट गया। वे अपने टिकटों के बदले भारत में सोना ला रहे थे। आगे यह भी तर्क दिया गया कि इसमें शामिल सीमा शुल्क की राशि 1 करोड़ रुपए से कम है और उन सभी को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जमानत का लाभ दिया गया था। भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपील का पुरजोर विरोध किया है। दलील दी है कि मुकदमा चल रहा है और 11 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। यह भी तर्क दिया गया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश SLP में शीर्ष न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है। आगे तर्क दिया गया कि सभी आरोपी सोने की तस्करी में शामिल हैं। सुनील वर्मा के पास से 4 किलो सोना, सुरेंद्र कुमार दर्जी के पास से 2 किलो सोना, मोहम्मद के पास से 1.800 ग्राम सोना बरामद किया गया। पैरा इस न्यायालय ने दिनांक 7/5/2022 के आदेश के तहत यह माना कि सोने की तस्करी को आतंकवादी कृत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें शामिल सभी आरोपी केवल मजदूर हैं। वे आजीविका कमाने के लिए विदेश गए थे और ऐसा नहीं है कि इस राशि का इस्तेमाल किसी भी तरह से देश में आतंकवादी गतिविधि के लिए किया जा रहा हो।
चूँकि वर्तमान अपीलकर्ताओं का मामला उन लोगों के समान है जिन्हें इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया गया है, इसलिए हम अपील की अनुमति देना उचित समझते हैं। आदेश दिनांक 17/12/2020 को रद्द किया जाता है और अपील की अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते वे रुपए का निजी बॉन्ड प्रस्तुत करें। 1,50,000 रुपये की 2 जमानतें जिनमें से प्रत्येक विद्वान ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए उस अदालत और किसी भी अदालत के समक्ष उपस्थित होने की शर्त के साथ होगी। मामले को सुनवाई की सभी तारीखों पर और जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाए स्थानांतरित किया जाता है। समाप्त।